हेलो एवरीवन, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फास्टिंग के बारे में और मैं आपको बताऊंगा फिजियोलॉजी ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग में एग्जैक्टली आपके शरीर में क्या क्या होता है, फेजेस क्या है उसके, जिसके एक्चुअली 3 फेजेस होते हैं, आपके अंदर हॉर्मोनल चेंजेस क्या होते हैं, आपके अंदर बाकी बॉडी के डिफरेंस मैकेनिज्म्स क्या चेंजेस आते हैं, इम्यूनिटी में क्या चेंजेस आते हैं, और आपकी बॉडी कैसे अडेप्ट करती है कि अगर आपके अंदर खाना नहीं जा रहा है तो क्या होता है। फिर हम लास्ट में बात करेंगे थोड़ी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, बिकॉज अभी तो हम फास्टिंग के बारे में पूरा बता रहे हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपको बताएंगे और थोड़ी बहुत डिस्कशन वहाँ तक भी जाएगी। सो देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे जानवर फास्टिंग करते हैं, यहाँ तक कि हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, लंबे लंबे 6-6 महीने के लिए फास्टिंग करते हैं, और उनकी बॉडी 6-6 महीने जिंदा रहती है, कैसे अडेप्ट करती है उसको स्टडी करके हम ये पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी एज ए ह्यूमन बींग, एज ए मैमल, क्या करेगी जब उसके अंदर खाना नहीं जाएगा। तो इसकी जब स्टडी हुई है तो फिजियोलॉजी ऑफ फास्टिंग पता चली कि फास्टिंग के दौरान आपके शरीर में क्या होता है, क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं और कैसे कैसे आते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली जब फास्टिंग होगी, मतलब बाहर से खाना नहीं आ रहा, तो अंदर जितना स्टोर्ड है वो इस्तेमाल होगा और वो सबस्ट्रेट एनर्जी के लिए जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें ऑब्वियसली आपके फैट्स यानी कि लिपिड्स यानी फैटी एसिड्स, आपके जो स्टोर्ड ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और आपकी प्रोटीन्स है। तो ये 3-4 मेन सबस्ट्रेट हैं जो यूज होते हैं, और इनमें से कौन सा यूज होगा वो डिपेंड करेगा कौन सा अवेलेबल ज्यादा है। जो ब्लड में ज्यादा अवेलेबल होगा वो यूज होगा, जब तक ग्लूकोज है ग्लाइकोजन है तब तक वो यूज होगा, फिर उसके बाद फैट यूज होगा, फिर प्रोटीन यूज होगा, ये हिसाब होता है। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली हैपन। द फर्स्ट थिंग व्हिच हैपेंस इज अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। फर्स्ट थिंग विच हैपन्स इज बेसिकली समथिंग कॉल्ड एज रिडक्शन इन एक्टिविटी। तो पहले आपकी एक्टिविटी कम होती है, ये क्यों होती है, क्योंकि जैसे एनिमल्स में तो वो खुद कर देते हैं, लेकिन आपके केस में आप ज्यादा नहीं करोगे, करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज जितनी एक्टिविटी करोगे उतनी जो ऑलरेडी बचा हुआ फ्यूल है आपके अंदर वो सारा यूज कर लोगे, जल्दी यूज कर लोगे, राइट। जब आप फास्टिंग कर रहे हो, मान लो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस पर्पज से कर रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव है लंबी फास्टिंग करना। लंबी फास्टिंग करना आपका ऑब्जेक्टिव है, ना कि पतला होना, ना आप जाके बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके एकदम ग्लूकोज कम कर दो और ये सब चीजें बढ़ा दो वाला काम नहीं करोगे। आप करोगे कि भाई हम आराम करें, रेस्ट करें, ताकि हमें ज्यादा काम ना करें, ताकि ज्यादा एक्टिव रिडक्ट ना मेटाबॉलिक रेट जो है आपकी ज्यादा एनर्जी यूज ना हो। इसको कहते हैं रिडक्शन इन एक्टिविटी। तो पहला काम ये है जो रिडक्शन इन एक्टिविटी होता है। सेकंड काम होता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। हाँ, केवल रिडक्शन इन एक्टिविटी से 50-70% तक आप अपनी एनर्जी यूसेज कम कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो हमने बताया, मेटाबॉलिक रेट कम करना, उससे आपका कैसे होता है वो देखिए। जैसे आपके अंदर जो खाना खाया हुआ फूड है वो डाइजेस्ट होगा, खत्म होगा, वो अंदर डाइजेशन खत्म होगा, उसका एब्जॉर्प्शन खत्म होगा, एसिमिलेशन खत्म होगा। एक लेवल पे जाके तो खत्म होगा, जितना भी फूड था 3-4-6 घंटे में जब वो खत्म हो गया, सारा आपका इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो गया, बंद पड़ा है, तो क्या होगा, तो आपका एक मेटाबॉलिज्म जो बात करते हैं बॉडी के अंदर, वो पूरी मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है आपके, मतलब बॉडी में डाइजेशन से लेके हर एक मसल, हर एक ऑर्गन में जो मेटाबॉलिज्म, जो भी एक्टिविटी हो रही है, सारी मेटाबॉलिज्म है। आपकी एक बहुत बड़ा सिस्टम बंद हो गया है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो गया है, काम नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए। एक बहुत आपका ड्रॉप हो जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और दूसरी चीज को समझने के लिए ये समझिए कि जब आप खाना खाते हैं, जब भी खाना खाते हो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें सब में एनर्जी लगती है, जैसे स्टमक की एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाती है, उसमें एनर्जी लगती है, पेट की गट्स जो है, इंटेस्टाइनल्स हैं, गट्स हैं, पूरे गट की, इस गले मुंह से लेके फूड पाइप से लेके नीचे एनस तक, सारे गट की मोटिलिटी बढ़ जाती है,
एंजाइम्स जो डाइजेशन के लिए चाहिए वो बढ़ जाते हैं, उनके रिलीज बढ़ जाते हैं, और आयरन्स जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स का एसिमिलेशन बढ़ जाता है, और ग्लूकोजन, ग्लाइकोजन, फैट, प्रोटीन, इन सब के सिंथेसिस बढ़ जाते हैं। इन सब से मेटाबॉलिक रेट जब आप खाना खाते हो 25 से 1000 गुना तक बढ़ता है। जी हाँ, तो अब वो नहीं हो रहा, तो इसलिए आपका मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा स्लो, फास्ट नहीं होता, स्लो हो जाएगा, राइट। और फिर क्या होगा, जब स्लो मेटाबॉलिक रेट हो गया, एक्टिविटी कम हो गई, तो बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा आपका, बिकॉज मेटाबॉलिक रेट ही कम है, और प्लस लो बॉडी टेम्परेचर में और आपका जो यूसेज है सबस्ट्रेट का वो कम हो जाता है, तो आपकी बॉडी भी चाहेगी कि भाई बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाए। ये सारी चीजों को हम बेसिकली कहते हैं मेटाबॉलिक डिप्रेशन। ये बेसिकली होता है आपकी बॉडी टेम्परेचर का, मेटाबॉलिक रेट कम होने की वजह से, और 30 to 85% तक आपका जो सारा सेल्युलर प्रोसेस है, एक एक सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, जो आयरन चैनल्स खुलते हैं, जो आयरन लीकेज होते हैं, एंड इवन जो अंदर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटॉन लीकेज हो रहे हैं, या आरएनए या प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, वो सब कम हो जाए, सप्रेस हो जाता है, इसे कहते हैं मेटाबॉलिक डिप्रेशन, बिकॉज वो स्लो हो जाता है, अननेसेसरी चीजें नहीं करते, सिर्फ नेसेसरी नेसेसरी चीजें करते हैं। तो ये सारा होता है आपकी बॉडी के एज अ रिस्पॉन्स, अडेप्टेशन टू फास्ट, ठीक है। और ये होता है फेजेस में, पहले पहले जब इनिशियली आप फास्टिंग शुरू करते हो, तो वो फेजेस में कैसे होती है, ऑब्वियसली जब फास्टिंग शुरू करोगे सबस्ट्रेट यूजेस होगा, और वो सारा आपका फेजेस में ही होगा। फर्स्ट फेज में क्या होता है, फर्स्ट फेज में आपकी बॉडी कुछ घंटों से एक हफ्ते तक पहले जितना भी आपका खाना बचा हुआ है आपके पथड़ियों के अंदर, वो डाइजेस्ट करना और डाइजेस्टिव सिस्टम बंद होना वहां तक, और दूसरे अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज जो मैंने अभी बताए, जो मेटाबॉलिक डिप्रेशन, जो फिजिकल एक्टिविटी स्लो होना, जो मेटाबॉलिक रेट स्लो होना, जो बॉडी के अंदर ये सारे चेंजेस आना, राइट, टेम्परेचर कम होना, ये सारी चीजें होना पहले, उसके लिए आपके अंदर जितना खाना है पेट में वो बंद हो, वो डाइजेस्ट होगा, वो असिमिलेट होगा, एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद होगा। तो इस फेज में क्या होगा, आपकी मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगी, आपकी एनर्जी कंजम्पशन प्रोसेस, मील डाइजेशन, असिमिलेशन सारा बंद हो जाएगा, आपके अंदर सारा कुछ जो यूज हो रहा है अभी, यानी कि एक तो ग्लाइकोजन है वो सारा का सारा यूज होता रहेगा, तो आपकी बॉडी जो बाहर से आ रहा खाना पीना है, बाहर से आ रहा ग्लूकोज है, उससे अपना सारा कंजम्पशन खत्म करके अब यूज करने लगी कि आप ही के बॉडी के अंदर स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन है, और अल्टीमेटली आगे चल के आपके ग्लाइकोजन स्टोरेज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। जब आपके ग्लाइकोजन स्टोरेज ऑलमोस्ट खत्म होने लगते हैं, तो फेज वन खत्म होता है, तब शुरू होता है फेज टू। ये पूरा फेज वन है, फेज वन पूरा चलता है कुछ घंटों से लेके कुछ एक हफ्ते तक, ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करता है आपने क्या खाया, क्या खा चुके हैं, और कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है उसके ऊपर। फेज टू है जब आपका ग्लाइकोजन खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, और मिनिमम ग्लाइकोजन लेवल पे चल रहे हैं, और अब आपकी बॉडी ज्यादातर यूज कर रही है फैट, लिपिड्स फॉर एनर्जी। ऐसे केसेस में बॉडी थोड़ा सा प्रोटीन भी यूज करती है, 90 to 98% तक लिपिड्स की, यानी फैट्स यूज होता है एनर्जी में फेज टू में, और 2 to 8% प्रोटीन यूज होता है, बिकॉज प्रोटीन ही है जिससे आपके बॉडी के मसल्स, आपके ऑर्गन्स, आपका स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसलिए बॉडी ट्राई करती है प्रोटीन बचा के रखने के लिए। तो ये फेज में क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी अब वेट लॉस अच्छा खासा शुरू होगा, बिकॉज आपके बॉडी के अंदर टिश्यूज, यानी फैटी एडिपोज टिश्यू, फैट्स यूज हो रहे हैं, तो यूज हो रहे हैं तो टिश्यू यूज होगा तो वेट कम होगा, सो बॉडी वेट, बॉडी फैट कम होगा, राइट, ऐसे धीरे धीरे। और साथ में क्या होता है, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, जब भी फैट यूज होंगे कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होंगे, जैसा आपने कीटो डाइट वाले वीडियो में देखा था, अगर कीटो डाइट वाले वीडियो नहीं देखा था वो जाके देखिए, कीटो डाइट बाय डॉक्टर एजुकेशन। और कीटोन्स ये क्यों बनते हैं, क्योंकि कीटोन्स आर रिक्वायर्ड, कीटोन से एनर्जी भी बन सकती है, कीटोन से ग्लूकोज भी बन सकता है, क्योंकि कुछ ऑर्गन्स है बॉडी के जैसे ब्रेन और हार्ट, जिनको ग्लूकोज ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो ग्लूकोज को, राइट। सो ये जब होगा फेज टू में, और ज्यादातर फास्टिंग, ज्यादातर जितनी भी फास्टिंग होती है दुनिया भर में, ज्यादातर फेज टू के आगे नहीं बढ़ती, फेज टू पे वो खाना खा लेते हैं,
फेज टू के चलते हुए। तो फेज टू में अच्छा खासा बॉडी मास ड्रॉप हो जाता है, एनर्जी आपका फैट लेवल ड्रॉप हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। फेज थ्री में अगर ये सब के बावजूद आपने खाना नहीं खाया, फिर भी खाना नहीं खाया, तो फेज थ्री शुरू हो जाता है। फेज थ्री में क्या होता है कि इतना आपका थ्रेशोल्ड हो गया है कि अब आपके अंदर फैट्स कम हो गए, बहुत कम हो गए फैट का लेवल, तो अब आपकी बॉडी इस्तेमाल करना शुरू करती है प्रोटीन्स। और प्रोटीन जब इस्तेमाल होते हैं, अमीनो एसिड इस्तेमाल होते हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, तो अराउंड 54 to 56% तक आपकी एनर्जी सारी अमाइनो एसिड से आ रही है। और उस केस में आपकी बॉडी मास तो कम हो गई बिकॉज आप प्रोटीन यूज हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ प्रोटीन आपके मसल से नहीं यूज होता, आपके हर एक ऑर्गन से, आपके स्किन से लेके लिवर, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब यूज हो रहे हैं, ये सब का प्रोटीन यूज हो रहा है, ये सब का साइज छोटा हो रहा है। वट एवर यू कॉल इट, यू आर बेसिकली ईटिंग, आप अपने आप को खा रहे हो उस समय, यही होता है। जी हाँ, सो दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज ऑटोफेजी, वट एवर यू कॉल इट। सो फेज थ्री में आप अपने आप को प्रोटीन यूज कर रहे हैं, और इस केस में ऑब्वियसली फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो फैट से यूज हो रहा था वो कम हो जाता है ना, क्योंकि फैट स्टोरेज ही खत्म हो गया है कि नहीं? तो फैट यूजेज कम हो गया तो कीटोन बॉडीज कम हो जाते हैं, राइट? अमाइनो एसिड ज्यादा यूज हो रहे हो तो अमाइनो एसिड से ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है वो बढ़ जाता है। और इस फेज थ्री में आपका आगे चल के एकदम पतले कैकेक्सिक हो जाते हो, बिकॉज आपके टिश्यूज लॉस हो रहे, प्रोटीन कम हो रहे हैं, तो पतले कैकेक्सिक हो जाते हो। और अगर तब भी खाना नहीं खाया तो ऑर्गन फेलियर हो सकता है, बिकॉज ऑर्गन्स आर गेटिंग यूज, ऑर्गन फेलियर होके अल्टीमेटली लॉस ऑफ होम्योस्टेसिस, एक जिंदा जीवित रहने के लिए जो सिस्टम मेंटेनेंस चाहिए अगर वो नहीं रहा तो फिर डेथ भी हो सकती है। जी हाँ, सो ये इतना खतरनाक है फेज थ्री। तो ये तीन फेजेस होते हैं फास्टिंग के, और ज्यादातर फास्टिंग जो है पहले या दूसरे फेज में खत्म हो जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ऑलमोस्ट पहले और दूसरे फेज के एज में होती है, कभी कभी दूसरे फेज में जाके खत्म होती है, कभी कभी पहले फेज में खत्म हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितने स्टोर है। ज्यादातर दूसरे फेज में, स्टेज टू में जाके खत्म होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो आपके हॉर्मोन्स में देख लेते हैं क्या चेंजेस होते हैं। देखिए, जब आप खाना नहीं खाते, ऑब्वियसली जब खाना नहीं खा रहे हैं तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, और इंसुलिन की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अब ग्लूकोज ऑलरेडी कम है आपके ब्लड में, तो उसको काहे के लिए अंदर लेके जाएंगे। तो अब तो ग्लूकोज बनाने वाला हार्मोन चाहिए जिसको कहते हैं ग्लूकागॉन। सो ग्लूकागॉन के लेवल्स बढ़ जाएंगे जो कि आपके बॉडी का ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन तोड़ के ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाता है प्रोटीन से, और बेसिकली लाइपोलाइसिस यानी फैट का बर्निंग भी बढ़ाता है। तो इसके अलावा आपकी बॉडी स्ट्रेस हॉर्मोन, बिकॉज बॉडी के अंदर स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस हॉर्मोन सिक्रीट होंगे, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और बाकी के जो मैंने स्ट्रेस हॉर्मोन्स आपको पहले बताए थे वो सारे स्टिमुलेट होंगे। एंडोजेनस सबस्ट्रेट को वो हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को फंक परफॉर्म करने में सही से, वो हेल्प करेंगे, राइट? और जो दूसरे हॉर्मोन्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के लिए, वो सारे हॉर्मोन जो है सप्रेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या नहीं आएंगे बिल्कुल भी। और दूसरा एक हॉर्मोन है जो एक्चुअली आपका मेटाबोलिज्म है बढ़ाता है, जो थायरॉयड हॉर्मोन, वो भी कम हो जाएगा। तो थायराइड हार्मोन कम हो जाएगा, थायराइड प्रॉब्लम, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है उस समय के लिए बेसिक। बाकी मैंने जैसे बताया, इंसुलिन कम होगा, ग्लूकोजन बढ़ जाएगा, कॉर्टिकोस्टीरोइड्स बढ़ जाएंगे, बट ये कॉर्टिकोस्टीरोइड टेस्टोस्टीरोन नहीं है, दूसरे स्टीरोइड्स है। अगर स्टीरोइड के बारे में नहीं पता तो स्टीरोइड वाला वीडियो देखे, नीचे लिंक होगा, राइट? और फिर बात करते हैं वाटर बैलेंस की। मान लीजिए अगर आप पानी भी नहीं पीते हैं फास्टिंग के बीच में तो क्या होगा। देखिए, नॉर्मली पानी चाहिए हर एक प्रोसेस को, हर एक केमिकल रिएक्शन, लेकिन नहीं पीते हो तो आपके फैट्स और प्रोटीन से भी पानी बन जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, जो कि और ज्यादा खतरनाक होता है, और ज्यादा कम दिनों तक आप टिकते हो, और ज्यादा जल्दी आपका ऑर्गन डैमेज होता है। सो पानी आपका कितना बनता है, 1 ग्राम फैट से 1.1 ग्राम तक पानी बनता है, और 1 ग्राम प्रोटीन से 1.2 ग्राम तक पानी जब वो टूटता है तो मिलता है। और बात करते हैं इम्यून सिस्टम की। जब आप फास्टिंग करते हो तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के जितने भी एंडोजेनस सोर्स है आपके एनर्जी के, वो यूज होंगे आपके लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज को, और उन चीजों के लिए जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ आपके प्रोटेक्शन इम्यून सिस्टम के लिए। सो उस समय जब तक आप फास्टिंग कर रहे हो, एक्चुअली आपकी इम्यूनिटी हो जाती है कम, आपकी वल्नरेबिलिटी हो जाती है ज्यादा। और अगर आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया तो उस इन्फेक्शन को फाइट करने के चक्कर में आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर और ज्यादा वेस्ट जाती है। सो आप और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ, यानी कम दिनों तक रह पाओगे अगर खाना नहीं मिला तो।
सो ये सारी चीजें होती हैं अल्टीमेटली फास्टिंग में, प्रोलॉन्ग फास्टिंग में, इंटरमिटेंट फास्टिंग बीच में ही, आप मान लो फेज टू के आसपास, फेज वन कभी फेज टू, फेज टू में ज्यादातर बंद हो जाती है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है वहां तक। और इंटरमिटेंट फास्टिंग डिपेंड करती है कि आपने किस प्रकार की, कि कई बार वो ऑल्टरनेट डे फास्टिंग है, कई दफा वो ऐसे होते हैं कि 6 8 घंटे खा लो और 16 घंटे मत खाओ, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है, बट अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि जब खा रहे हो तो क्या खा रहे हो। अगर आपने बहुत हैवी डाइट उस समय दे दी जब खा रहे हो, तो कोई वैल्यू नहीं रह जाती इंटरमिटेंट फास्टिंग की। अल्टीमेटली योर बॉडी विल नॉट लूज अ लॉट ऑफ वेट अगर उसको बहुत ज्यादा हैवी सब्सट्रेट आप देते गए, मतलब अल्टीमेटली थोड़ा सा वहां पर भी कैलोरी डेफिसिट का फैक्टर है। अगर हम स्टडीज देखें तो जो सिस्टमिक एनालिसिस होते हैं, लंबे एनालिसिस, बहुत सारी स्टडीज को लेके उनको एनालिसिस करने वाली स्टडीज, सिस्टमिक एनालिसिस में ये देखा गया है लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो जितना वेट लॉस कैलोरी डेफिसिट से हो रहा है उतना ही, ना ज्यादा ना कम, वेट लॉस इंटरमिटेंट फास्टिंग से हो रहा है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का लॉन्ग टर्म में कोई और एडिशनल बेनिफिट नहीं है कैलोरी डेफिसिट का, कैलोरी डेफिसिट से कंपैरिजन में। और कैलोरी डेफिसिट ज्यादा बेटर इसलिए हम मानते हैं क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग या प्रोलॉन्ग फास्टिंग में आप अपनी बॉडी को एक बहुत ही हैवी स्ट्रेस के थ्रू गुजार रहे हैं, प्लस गॉल स्टोन के रिस्क बढ़ जाते हैं, बिकॉज उस समय जब आप एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम ठप हो गया है उस समय गॉल ब्लैडर भी काम नहीं करता, और गॉल ब्लैडर जो है 2 से 4 गुना तक उसका साइज बढ़ जाता है, बिकॉज उसमें बाइल जमा होता जाता है, एंड उस समय गॉल स्टोन का रिस्क 30 to 40% बढ़ जाता है। दैट इज वन रिस्क। और भी ऐसी चीजें हैं जो अब देखने को मिल रही है कि ये रिस्क बढ़ता है। और ऑब्वियसली कोई भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमेशा आप कई वीडियोस में देखेंगे कि वो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में एक आधी अच्छी, बहुत अच्छी चीज बता देंगे, और ये नहीं उनको पता होगा या वो नहीं बताएंगे आपको कि नुकसान क्या है। सो फास्टिंग के अपने नुकसान हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग के अपने नुकसान हैं, लेकिन कैलोरी डेफिसिट एक अपना अच्छा तरीका है। सो द बेस्ट वे टू गो इज कैलोरी डेफिसिट, एंड बीच बीच में अगर एक आध फास्टिंग हो भी गई, आइडियली तो अगर आपको गॉल स्टोन है या गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड करें, लेकिन अगर फास्टिंग हो गई सो इट्स ओके, बिकॉज एक्चुअली बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू वेरिएशन। सो इफ यू आर डूइंग अ कैलोरी डेफिसिट, वेरी योर कैलोरी, दैट इज मच बेटर देन इंटरमिटेंट फास्टिंग और एनी अदर डाइट। सो ये हुई बात दोस्तों फास्टिंग की। कीटो डाइट पे एक वीडियो हमारा ऑलरेडी है, वो आप देख लीजिएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे इससे ज्यादा डिटेल वीडियो भी एक आएगा आगे चल के, और भी वीडियोस आएंगे, बट आई होप इससे आपको मदद मिली है। और देखते रहिएगा ऐसे वीडियो, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, हमें पता चलता है आप हमारे वीडियोस लाइक कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम डॉक्टर एजुकेशन, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।